हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही कूल स्पाई एक्शन कॉमेडी मूवी का, जिसका नाम है द किंग्समैन। और ये किंग्समैन फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी है और पहले दो मूवीज़ की ये प्रीक्वल है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में मूवी के बारे में कोई मेजर स्पॉइलर नहीं देने वाला। द किंग्समैन भले इस फ्रेंचाइजी की रिलीज होने वाली तीसरी मूवी हो, लेकिन ये एक्चुअली किंग्समैन सीक्रेट सर्विस की ओरिजिन स्टोरी बताती है, यानी कि पहले दो मूवीज़ की प्रीक्वल मूवी है। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो कि अगर आपने इससे पहले की दोनों किंग्समैन की मूवी यानी कि द सीक्रेट सर्विस और द गोल्डन सर्कल नहीं देखी तो क्या डायरेक्टली मैं थर्ड मूवी देख सकता हूँ, तो मेरा आंसर होगा हाँ, बिल्कुल देख सकते हो। क्योंकि स्टोरी वाइज पहले दो मूवीज़ का इस तीसरे मूवीज से कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि ये प्रीक्वल है। और उल्टा मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आपकी ये पहले तीसरी मूवी देखे और उसके बाद वो दोनों मूवी देखे। अगर आपने इससे पहले की दोनों या फिर एक भी किंग्समैन मूवी देखी है तो देखते टाइम आपके मन में भी एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि इतनी बड़ी सीक्रेट सर्विस एजेंसी जो कि दुनिया भर में अपने ऑपरेशंस करती है, जिसके दुनिया भर में एजेंट्स हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी। तो इसी सवाल का जवाब हमें ये मूवी देती है। और इसमें हमें बताया गया है कि कैसे किंग्समैन की शुरुआत हुई और कैसे उन्होंने अपने शुरुआती कनेक्शंस बनाए और अपने शुरुआती ऑपरेशंस को अंजाम दिया। अगर हम पिछले दोनों किंग्समैन मूवी के बारे में बात करें तो उसमें हमें काफ़ी हाई ऑक्टेन एक्शन और कूल गैजेट्स देखने को मिले थे, क्योंकि वो तो करंट टाइमलाइन में हो रही थी। लेकिन ये मूवी जो कि लगभग 100 साल से भी पहले यानी कि वर्ल्ड वॉर वन के एरा में हो रही है, तो वहाँ पे हमें कूल गैजेट्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन हाँ कूल एक्शन सीन्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। इस मूवी के एक्शन सीन्स काफ़ी कूल है और यूनिक भी है, और शायद ऐसे एक्शन सीन्स आपने किसी और मूवी में देखे होंगे। लेकिन हाँ, अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले दोनों किंग्समैन मूवी के एक्शन सीन्स से जो कि काफ़ी लॉन्ग शॉट में किए गए थे और काफ़ी यूनिक भी थे, तो उसके सामने थोड़े से फीके ज़रूर पड़ते हैं। लेकिन अगर हम ये कंसिडर करें कि इस मूवी का टाइमलाइन वर्ल्ड वॉर वन के एरा का है, तो उस टाइम के वेपन्स और गैजेट्स थोड़े से अलग होते थे, तो इस लिमिटेशन को काउंटर करके उस टाइम के वेपन और गैजेट्स के हिसाब से जितने भी एक्शन सीन्स किए गए हैं वो काफ़ी एंटरटेनिंग है देखने में। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि पहले दोनों मूवीज़ में मिसिंग थी वो था थोड़ा इमोशनल टच। अगर हम पहले दोनों मूवीज़ को कंपेयर करें तो पहले दोनों मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड थी, लेकिन इस मूवी में थोड़ा सा इमोशनल साइड भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है और साथ ही में कैरेक्टर बिल्डिंग भी बहुत अच्छे से किया गया है। मूवी का रन टाइम लगभग 2 घंटे का है, लेकिन पूरे मूवी में हमें इमोशन, एक्शन और कॉमेडी का बहुत ही अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मूवी कहीं भी बोर नहीं करती। मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा होने के कारण भले ही मूवी की स्टोरी स्लो हो गई हो, लेकिन फिर भी उतनी ही एंगेजिंग स्टोरी है। और अगर आप इस मूवी के एक इमोशनल एस्पेक्ट को टच कर पाओगे तो ये मूवी आप बीच में नहीं छोड़ पाओगे, आप लास्ट तक ज़रूर देखोगे। और इतना ही नहीं, मूवी जो कि काफ़ी स्लो और स्टेडी चलती रहती है, लेकिन बीच में एक इतना बड़ा सरप्राइजिंग ट्विस्ट है, क्योंकि मेरे ओपिनियन में इस किंग्समैन ट्रायोलॉजी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। अगर हम बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो इसके मेन स्टार है हम सबके फेवरेट वोल्डेमॉर्ट, वो भी अपने नाक के साथ, और इस रोल में वो बहुत ही परफेक्ट है। और मेरे ओपिनियन में इस मूवी के स्टैंड आउट कैरेक्टर है जीमोन हंसू, जो कि बहुत ही अच्छा एक्टर है, और आपने इन्हें काफ़ी सारी बड़े बड़े मूवीज़ में एज अ साइड कैरेक्टर देखा होगा। इस मूवी में भी उनका कैरेक्टर साइड ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर मैथ्यू वॉन ने, और अगर आप उनके काम के बारे में इससे पहले नहीं जानते तो उन्होंने इससे पहले डायरेक्ट की है डैनियल क्रेग की लेयर केक, उसके बाद स्टारडस्ट, किकैस, एक्समैन फर्स्ट क्लास और किंग्समैन की पिछली दोनों मूवीज़, तो ये काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं। मूवी के सीजीआई और वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, और मूवी का टाइमलाइन लगभग 100 साल पहले होने के कारण जितनी भी सेटिंग हमें देखने को मिलती है, फिर वो चाहे रियल लोकेशन हो या फिर सीजीआई हो, वो काफ़ी बिलीवेबल लगते हैं। तो द किंग्समैन मूवी के बारे में मेरा फाइनल ओपिनियन यही है कि अगर आपको स्पाई जॉनर के एक्शन कॉमेडी मूवीज़ पसंद है तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पिछली दोनों किंग्समैन की मूवी देखी हो या ना देखी हो, ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आपने इससे पहले की कोई भी किंग्समैन मूवी देखी है तो कमेंट मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसे लगी।